यूक्रेन में कुशीनगर के 38 छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें भारत सरकार के प्रयास से 36 छात्र वापस अपने घर को आ गए हैं और एक छात्र अभी भी फंसा है, जबकि दूसरा छात्र इटली चला गया। वहीं यूक्रेन में फंसे मेडिकल की पढ़ाई करने वाली काजल रेनियार अपने घर सुरक्षित पहुंची और बमबारी के दौरान स्टेशन पर काजल तिरंगा बनाकर अपने हौसले को बढ़ा रही थी और वहां के मंजर को बताते हुए छात्रा ने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहा। सोच तो यही रहे थे, पहली धमाका 24 फरवरी की हुई थी, तब तक हमने जब न्यूज में देखा, पहले तो सुनने को आ रहा था कि हाँ रूस हमला करेगी के कर रहे हैं मम्मा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अभी तो हम 23 के डेट में कल की डेट में अभी करके आए थे और आज भी थी क्लास, तो हमने कहा कि ठीक है। फिर इन्होंने मैसेज किया, हम भी मैसेज कर रहे हैं बेटा क्या हुआ, मामा बहुत तेज से धमाका हुई है और नीचे से हम एकदम हिल गए हैं, जैसे धरती हिल गई है, हम बहुत डरे सहमे हैं। हम कहें कि अच्छा ठीक है, अब हम लोग इधर एकदम बेचैन थे, हम कहें कि अब पता नहीं क्या होगा, और हम लोग तो इधर इतने परेशान हो गए थे, खाना पानी रोना गाना एकदम से शुरू हो गया था कि मैंने हम लोग 10 दिन कैसे रहे हैं, ये हम ही माँ ही जान सकती है कि अपनी बेटी के लिए या बेटा के लिए कैसे रहा जा सकता है। अब क्या कहना चाहेंगे, बेटी सकुशल जो है घर आ गई। जी जी, बेटी तो सकुशल आ गए हैं, श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से बहुत बहुत धन्यवाद है, आभारी हैं हम कि हमारी बेटी मेरे पास आ गई, सुबह 3:30 बजे के समय में आई हैं, और यूपी गवर्नमेंट भी मैंने बहुत ही सहायता की है, घर तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी उठाई है, सकुशल मेरी बेटी मेरे पास आ गई है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ। स्थिति बहुत ही मंजर थी, देखने लायक नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद है नरेंद्र मोदी जी का, इंडियन गवर्नमेंट का, जो हमें वहाँ से लेके आई है यहाँ पे और हर एक सुविधा दी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आते वक्त, खाना टाइम पे, हर चीज़ रहने की व्यवस्था। हम लोग पोलैंड में रुके हुए थे, एक संस्था थी आर्ट ऑफ लाइफ, वहाँ पे हम लोग रहे थे एंड कुछ टाइम होटल्स में हम रुके थे पोलैंड से, फिर वहाँ से हमें इंडिया लेके आया गया इंडिगो से, और ये सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही कर सकती है, हमें दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। नहीं, आप जिस प्रकार बमबारी हो रही थी और आपका एक वीडियो भी वायरल तिरंगा बनाने का, तो क्या लगता था कि कब क्या हो जाएगा, फिर भी आप हिम्मत करके तिरंगा बना रहे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें विश्वास था कि इंडियन गवर्नमेंट जरूर हमें वहाँ से निकालेगी, एक विश्वास था, एक हौसला था, और हम उस तिरंगे को इसलिए ही बना रहे थे ताकि हम लोग वहाँ से निकल पाए जल्द से जल्द। आपके पेरेंट्स बहुत काफ़ी परेशान थे, किस प्रकार का हौसला अफजाई करने का काम करते थे? वो डेली हमें बोलते थे कि लाइक न्यूज़ में भी देखते थे कि कुछ ना कुछ इंडियन गवर्नमेंट जल्द से जल्द कार्य करेगी उस पर, हमें जल्द से जल्द वहाँ से निकालने की कोशिश करेगी, और हमेशा से उसकी कोशिश रही है, और बहुत बच्चे आ भी गए हैं और भी बच्चे आने वाले भी हैं। क्या अभी वहाँ की जो स्थिति थी थोड़ा सा बताइए, क्या स्थिति थी, पूरा मंजर क्या था वहाँ की? स्थिति बहुत ही भयानक है, लाइक हर मिनट हर सेकंड में भी वहाँ सेलिंग एंड फायरिंग चल रही है, हमने लाइक हर टाइम हमारे कानों में सिर्फ और सिर्फ सेलिंग और फायरिंग ही गूंजती रही, कभी अंडरग्राउंड मेट्रो में जाना, कभी बंकर में छुपना, कभी जब कर्फ्यू हट जाने के बाद फ्लैट में हम कुछ टाइम के लिए खाना लेने जाते थे, उस टाइम भी कंटिन्यू सेलिंग होती रहती थी, तो एकदम मन में डर रहता था कि अब आगे पल लाइक नेक्स्ट पल क्या होगा, हमें कुछ भी नहीं पता था, और हम घर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे कुछ नहीं पता था। अगर जनपद के 38 बच्चे जो आइडेंटिफाई हुए थे उसमें से 36 बच्चे तो आ चुके हैं, एक बच्चा जिसका नाम है राघवेंद्र प्रताप सिंह, वो खेलिया इमिलिया कशिया तहसील का रहने वाला है, वो इटली चला गया था, वहाँ से करीब युद्ध शुरू होने के पहले ही चला गया था। एक आनंद मिश्रा जो दुदई का बच्चा है वो अभी शमी शहर में है, और उससे कांटेक्ट किया जा रहा है लगा था, और उसको जल्दी ही वहाँ से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। कितने बच्चे थे, बच्चों की संख्या क्या थी? टोटल बच्चे 38 थे।